जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा और आप सभी साथी जो जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। और आप सभी को मालूम होगा आज किस मुद्दे पर मैं आप सभी से बात करना चाह रही हूं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है आज पूरे देश को उसका पता चल चुका है। रोज आना परत दर परत खुलती रही और ऐसा लगा अभी कुछ नया आएगा और अभी कुछ नया आएगा, और हर रोज एक नई बात सामने आई। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय जब मैं आपसे लाइव बात कर रही हूं, पूरा देश एकत्रित हुआ है, क्योंकि ये हमारी उन मासूम अनाथ 42 के करीब बच्चियां बताई जाती हैं जिनसे लगातार बालिका गृह में लगातार बलात्कार होते रहे। और बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, बच्चियों ने बताया, कोई नेताजी थे और हंटर वाले अंकल थे। ये उन हमारी बच्चियों के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका जो हमारा गृह है वहां पर उन बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार करते रहे। खुलासा कब होता है? जब 7 से 17 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, कुछ बच्चियां गर्भवती हो जाती हैं, उसके बाद ये मामला खुलना शुरू होता है। आज जंतर मंतर पे पूरी दिल्ली और पूरा देश इन बेटियों के लिए इकट्ठा हुआ है। मैं दो शब्द पढ़ देना चाहती हूँ कि जिंदा हो तो साथ चलो, जिंदा हो तो साथ चलो, जिसमें लहू हो तो साथ चलो, जमीर मरा ना हो तो साथ चलो, तुम्हारी भी अगर बेटी हो तो साथ चलो। मुजफ्फरपुर के बिहार में हमारी अनाथ बच्चियों को रखा गया और एक संस्था जिन्हें चलाने वाले शख्स का नाम बृजेश ठाकुर। इस बृजेश की एक नहीं अनेकों एनजीओ संस्थाएं चलती हैं। इन अनेकों एनजीओ संस्थाओं के लिए पैसा पाने के लिए, सरकारी पैसा पाने के लिए ये इस बालिका गृह जो है हमारा शेल्टर, वहाँ की बच्चियों को, नेताओं को, अधिकारियों को सप्लाई करता था, उन्हें खुश करता था। उन्हें खुश करने के एवज में बृजेश ठाकुर के संस्था को जो है वो खूब मोटा चंदा मिलता रहा। कौन है बृजेश ठाकुर, ये देखिएगा, ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया है इस शख्स को, और चेहरे पर मुस्कुराहट है, हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर हंसी। इतनी हिम्मत आती कहां से है इनमें कि उस शख्स को जिसका नाम बृजेश ठाकुर है, जो इस एनजीओ बालिका सुधार गृह का संचालक था, उसके मन में कोई खौफ, कोई डर कि मैं पुलिस की पकड़ में आ चुका हूं, 42 बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार, उन्हें सप्लाई करते रहे, और सबसे बड़ी बात, मासूमों के जो घरौंदे थे, जो घर बनाए गए थे सरकार ने कि ये अनाथ बच्चियां हैं, इनके लिए सरकार एक घरौंदा, एक घर बनाती है जिसमें हमारी बेटियां, अनाथ बेटियां सुरक्षित रह सके, उन घरौंदों को, उन हमारी बेटियों के घरौंदों को, घरों को आयाशी के अड्डों में इस बृजेश ठाकुर ने बदल दिया। और दुख की बात यह कि बृजेश ठाकुर ने अकेला नहीं था, एक मधु देवी भी हैं। ये मधु देवी की तस्वीरें बहुत से नेताओं के साथ, बहुत से सरकारी मंचों पर आप देख सकते हैं, जो इस समय जब FIR हुई, मधु देवी जो अखबारों में आया है, देश छोड़कर विदेश भाग गई हैं, क्योंकि इन्हें पता लग गया था, इन्हें हिंट लग गया था कि ये लोग बेनकाब हो रहे हैं और अब इन्हें बचाना जो है मुश्किल है, इसलिए मधु देवी भाग कर यहां से। और इन्हें भागने में किसने मदद की, किसने सूचना दी कि आपका खुलासा हो चुका है? और इन्हीं मधु देवी, मधु कुमारी जो संचालक थी बृजेश ठाकुर के साथ, बताया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार ने बिहार की सरकार को मधु कुमारी को राज्य सम्मान देने के लिए लिखा था कि मधु कुमारी जी को सम्मानित राज्य, जो राज्य है राष्ट्र सम्मान होता है, राज्य सम्मान से सम्मानित किया जाए, इसके लिए अप्रोच
एक जज ने भी की थी। और जो जज साहब के सामने ये लड़कियां अभी गई मुजफ्फरपुर के हमारे शेल्टर होम रेप के बाद, आप सोचेंगे नहीं, 7 से 17 साल की बच्चियों के साथ हाथ पैर बांध के बलात्कार हुए, मुंह खोलने पर उन्हें पीटा गया, वो जब गर्भवती हो गई उनका गर्भ गिराने की शेल्टर में ही कोशिश की गई, उन्हें इंजेक्शन दिए गए, और यहां तक कि उस शेल्टर होम मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम की जमीन खोदी जा रही है क्योंकि शक है बच्चियों के बलात्कार के बाद गर्भवती होने के बाद उन्हें वही जमीन पर दफन कर दिया गया होगा, यह भी शक जताया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात, भाजपा की जो सरकार बिहार में है नीतीश कुमार जी के साथ, उसमें एक मंत्री है जिनका नाम है मंजू वर्मा, ये महिला बाल विकास समाज कल्याण मंत्री हैं, आज की तारीख में भी मंत्री हैं, जिनके अधीन ये सारे शेल्टर्स आते हैं, बालिका हमारे जो है बालिका जो है हमारे गृह आते हैं। उन महिला मंजू वर्मा के पति, मंत्री के पति चंद्रेश्वर वर्मा का भी नाम आ रहा है कि इन महिला मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रेश्वर वर्मा को भी अनेकों बार इसी मुजफ्फरनगर बालिका गृह में देखा गया। क्या करने जाते थे वो, मंत्री तो इनकी पत्नी थी, अपनी पत्नी की जगह महिला मंत्री को जाना चाहिए था, लेकिन महिला मंत्री के पास शायद फुर्सत नहीं थी इसलिए वो अपने पति को भेजती थी, उनके पति ब्रजेश ठाकुर के साथ मिलकर उस मुजफ्फरनगर बालिका गृह में घंटों बिताते थे। क्या करते थे नहीं मालूम है, बच्चियों को उस बालिका गृह में ताले में बंद रखा जाता था उन्हें, ताकि वो बाहर नहीं जाएं, बाहर जाएंगी तो बहुत लोगों को बेनकाब करेंगी। किसी ने सही पूछा है कि 42 लड़कियों का बलात्कार जो ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार हुआ है, क्या लगता है एक अकेले ने 42 बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियां 7 से 17 के साथ बलात्कार किया होगा? या बहुत से नेताजी जो नाम ले रही हैं हमारी बेटियां, वो नेताजी कितने नेताजी हैं, कौन से दल से वो नेताजी जुड़े हुए हैं जो इन बच्चियों के पास आते? तो यहां तक ये बताया ब्रजेश ठाकुर, इन बेटियों को, हमारी बच्चियों को बांग्लादेश नेपाल जो बॉर्डर है वहां पर, और कभी कभी अधिकारियों के आवास पे भी भेजा करते थे। हंटर वाले अंकल और नेताजी, दो नाम बताए, तस्वीर दिखाने पर मंजू वर्मा जो वहां की महिला बाल विकास समाज कल्याण मंत्री है उनके पति की पहचान की, ब्रजेश ठाकुर की पहचान उन्होंने की है, मधु जो भाग चुकी है वो उन्हें आंटी कहती थी, जब इस तरह की यातनाएं बलात्कार होते थे तो ये मंजू आंटी के पास जाती थी और मंजू आंटी उनकी कोई सुनवाई नहीं करती थी, उन्हें उल्टा समझाती थी कि यहां रहना है तो ये सब करना है, मुंह खोलोगी तो अंजाम ये हुआ कि 3 बेटों का उतार दिया जाता है जिनकी मौत हो चुकी है, हत्या हुई है, ये अब CBI की जांच का विषय है। पर सबसे बड़ी बात, बिहार में जिनकी सरकार है, दिल्ली में जिनकी सरकार है, बेटी बचाओ का नारा देने वाले क्या तक इतने सालों तक सोते रहे? और सबसे बड़ी बात, ब्रजेश ठाकुर के NGO को लगातार ये अधिकारी और ये नेताजी मोटा चंदा देते रहे क्योंकि ये नेताओं को खुश करते थे इन बेटियों को भेज भेज कर। और सबसे बड़ी बात, जब इस रेप कांड का खुलासा हुआ उस दिन भी ब्रजेश ठाकुर की NGO को सरकार ने एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बोलते वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही पास हुआ होगा, वो सूचना में आ गया होगा, हम उसे रद्द कर रहे हैं। तो जो सूचना जारी कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए, वो लिस्ट जारी करने से पहले ब्रजेश ठाकुर की NGO का नाम भी नहीं चेक कर पाए और लिस्ट जो है वो जारी कर देते हैं। तमाशा देख रहे हैं। जब थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन, लंदन बेस्ड फाउंडेशन है, उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक सर्वे, विश्व का सर्वे रखा और ये बताया कि भारत देश पूरे विश्व में महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह है, तब यही भारत सरकार, यही संघी भाजपाई जो आज मुझे नहीं पूछ रहे थे कि अलका जी मुजफ्फरपुर कांड के बाद आप अभी तक खामोश क्यों, आप क्यों नहीं बोली? क्यों? क्योंकि यहां इनकी सरकार है, यहां इनकी सरकार है, यहां जो बेटियों का बलात्कार हुआ है, मुझे खुशी है
कि आप मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक और उन सब से बचाने के लिए भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार न्याय के लिए मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के लिए लड़ती है, लेकिन अपनी ही हिंदू 42 नाबालिग अनाथ बेटियों के साथ आप ही के नेताजी, आप ही के अधिकारी, आप ही की सरकार के अधीन बलात्कार लगातार करते हैं और आप खामोश हैं। आपकी बेशर्म महिला सांसद को सुनिए, मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से। जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं, ये बेशर्म महिला सांसद उनके ऊपर उंगली उठाकर उनके चरित्र के ऊपर जो है वो बात करने लग गई है कि मुजफ्फरपुर की घटना पे बात मत करिए। क्यों मत करें? क्योंकि आपकी सरकार भाजपा की, जो नीतीश कुमार को समर्थन देकर यहां पर चल रही है, उनके ऊपर उंगली उठती है, इसलिए ये खामोश रहे और ये बोलेंगे। तो आप जैसी बेशर्म मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से, अच्छा हुआ मोदी जी ने अंगूठा छाप फर्जी डिग्री वालों को कैबिनेट मंत्री बनाया और आप जैसी पढ़ी लिखी एडवोकेट को मंत्री बनाने की सोची तक नहीं, क्योंकि आप इस काबिल नहीं थी। आज जंतर मंतर आपको जाकर मुजफ्फरपुर की अनाथ नाबालिग बलात्कार की शिकार बेटियों के साथ जब खड़ा होना चाहिए, क्योंकि 7 सांसदों में से दिल्ली में आप एक महिला सांसद है, आपको जंतर मंतर होना चाहिए था, आपको महिलाओं बच्चियों के साथ आवाज उठानी चाहिए थी। आप जंतर मंतर पे जितने भी देश के लोग, जितने भी पिता, जितने भी भाई अपनी बेटियों के लिए न्याय के लिए खड़े हैं, आप उनका तमाशा बना रहे हैं। आप कहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं। ये देश तय कर ले कि राजनीति कब होती है, जब हम इतना जघन्य अपराध को देखते हुए खामोश रहते हैं, पर्दा डालते हैं, अपराधियों को बचाने की, उन नेताओं को, उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं, तब हम राजनीति करते हैं घिनौनी, या हम तब घिनौनी राजनीति करते हैं जब हम अनाथ नाबालिग बेटियों के साथ होते बलात्कारों के ऊपर भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक खड़े होकर आवाज बुलंद करते हैं और बेटियों के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं। ये आप तय करिए, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं। बहुत लोग आज बयान कर रहे हैं कि गाय और गोबर से ही भाजपाइयों की केंद्र की सरकारों को फुर्सत मिले तो हमारी बेटियों पर ये सोचे, हमारी बेटियों पर ये सोचे कि लगातार आपकी सरकार बेटी बचाओ के नारे के तहत जो है वो बलात्कार होते हैं, लेकिन पूरे देश को गाय और गोबर, मंदिर और मस्जिद, बांग्लादेश और पाकिस्तान, चाइना में हमें जो है इतना व्यस्त कर दिया कि हम इसके ऊपर आवाज ही ना उठा पाए। अभी एक और खबर आई है कि इन बच्चियों को मुजफ्फरपुर बालिका गृह से मधुबनी शेल्टर में शिफ्ट किया गया है, ये सुनने में आया है, लेकिन वहां अभी कंफर्म खबर नहीं है कि ये बच्चियां मधुबनी शेल्टर में पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। कुछ का कहना है इन बच्चियों की कोई खबर नहीं, और खासतौर से वो एक बच्ची जिसने सारा खुलासा किया है, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बेनकाब किया, उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है कि उसको मुजफ्फरनगर से जो है मधुबनी क्यों ले जाया गया, तो वो बच्ची सुरक्षित है या नहीं है, कुछ लोगों को डर है। सबसे बड़ा गवाह यही बच्ची है जिसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना सारा बयान दिया है, ये बच्ची कहीं नहीं है। सबको इसकी चिंता सता रही है, क्योंकि जो है जो विदेश भाग चुकी है, इसके अगर हाथ ना लगने से, ये बताते हैं कि बहुत से राजबोर्ड सी बड़ी मछलियां जो हैं, जिन्होंने इन बच्चों को हवस का शिकार बनाया है, वो बच निकलेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, मधु देश में है, मधु विदेश में, मधु आंटी जिनको ये नाबालिग बच्चियां शिकायत करती रही और इन बच्चियों को ये जो है मुंह दबाती रही, ये देश में या विदेश भाग गई है नहीं मालूम है, ये जिंदा है या मार दी गई है या मार दी जाएंगी, क्योंकि पकड़ी जाएंगी तो बहुत खुलासे हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नेता जी बेनकाब हो जाएंगे, बहुत बड़े नेता। मैं आप सभी से कहूंगी, मुजफ्फरपुर बिहार सरकारी बालिका गृह ऐसी एनजीओ ऐसी संस्थाओं को दे दिया, और ब्रिजेश ठाकुर की हंसते हुए मुस्कुराते हुए की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जिसे लगता है ये पुलिस, ये सरकार, ये प्रशासन, ये सब
इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यही इन्हीं अधिकारियों को, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो नेताजी है, इन्हीं को इस ब्रिजेश ठाकुर ने इन बेटियों को सप्लाई किया था। इसलिए ये अगर इन्हें फंसाएंगे तो ये ब्रिजेश ठाकुर उन्हें बेनकाब कर देगा। इसीलिए वो मुस्कुरा रहा था पुलिस की कस्टडी में भी कि ये मुंह खोलेगा तो पता नहीं कितनों के ऊपर जो है वो आंच आएगी, इसलिए इन्हें बचाया जा सकता है। और इस ब्रिजेश ठाकुर को पूरी सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। नीतीश कुमार जी ने जब सरकार गिराई, भाजपा के साथ गए, तो एक लाइन कही थी कि मेरी अंतर आत्मा ये बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रही कि मैं जो दल है उनके साथ सत्ता में बना रहा हूं। सत्ता गिराई, भाजपा जिनके खिलाफ लड़े थे बिहार में उनके साथ हाथ मिलाया और इनकी अंतरात्मा जिंदा हो गई। आज मैं नीतीश कुमार जी आपसे पूछना चाहूंगी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी बेटी है या नहीं है, बेटी होती तो दर्द जरूर महसूस होता। लोग ये तक कहने लगे हैं कि ये तो सत्ता जो है बेल औलादों के हाथ में है और उनके हाथ में जिनकी बेटियां नहीं है, अगर बेटियां होती तो दर्द जरूर महसूस करते। ये पहली घटना नहीं है। उन्नाव में तो आपने खुद देखा एक लॉ मेकर भाजपा का विधायक जो भी सलाखों के पीछे है, कुलदीप सिंह सेंगर, ये खुद नेता हमारी बेटियों बेटियों का बलात्कार करते हैं खुद। और आपने तो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घुटनों पे गिरे हुए एक पुलिस अधिकारी तक को देखा है। क्या उम्मीद करेंगे कि ये पुलिस, ये कानून किसी तरह हमारी बेटियों को न्याय दे पाएगा? इससे पहले भी एक फेसबुक लाइव किया था कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस अवैध धंधों को, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को, चोरी को संरक्षण अपने थानों के अंदर से दे रही है, ये भी मैंने आपको लाइव करके दिखाया था। ब्रिजेश ठाकुर के इस समय बताया जा रहा है 30 संस्थाएं, 30 एनजीओ अभी भी ऐसे चल रहे हैं जिन 30 संस्थाओं को इन नेताजी ने और अधिकारियों ने मोटा चंदा दिया है। क्या सरकार ने ब्रिजेश ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि ब्रिजेश ठाकुर का नाम और उसकी पहचान जो है हमारी एक बलात्कार की शिकार उसी बालगृह में रहने वाली बेटी ने की है, इस 30 एनजीओ संस्थाओं की सदस्यता रद्द करना, ब्लैक लिस्ट करना तो दूर की बात, इस अपराध के खुलासे होने के बाद भी ब्रिजेश ठाकुर संस्था को एक और कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने दे दिया था। इतनी बेशर्म सरकार है। और अभी भी मैं कहूंगी कार्रवाई हो सके तो कार्रवाई करिए, उदाहरण पेश करिए। दुख होता है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचाओ का नारा लाल किले की प्राचीर से दिया और आज 4 अगस्त है, 15 अगस्त फिर आने वाला है, लाल किले की प्राचीर से इस बार क्या बोलेंगे, आज किसको बचाने की बात कहेंगे? 4.5 साल के आपका समय पूरा हो गया, 6 महीने आपके, 8 महीने बचे हैं और आप ही की सरकार, आप ही की सत्ता में मुजफ्फरनगर के बिहार में बेटियों के साथ आपके नेता बलात्कार कर रहे हैं और आप एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, आप एक शब्द, एक लाइन तक नहीं करते हैं इन बेटियों के लिए कि इन बेटियां, आप अनाथ नहीं हो, आपको न्याय मिलेगा। इन बेटियों के सामने शर्म आनी चाहिए, आप सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए, घुटना चाहिए। कंजके कहते हो, पूजा करते हैं आप इसकी इनकी नवरात्रों में, कंजके कह के पांव धोते हो, इनके पांव धो के जल पीते हो आप। आज जब इन बेटियों के साथ 42 बेटियों का मुजफ्फरपुर के अंदर बलात्कार होता है सरकार की नाक के नीचे, आपके सरकारी गृह के अंदर, तो आप इन बेटियों से माफी नहीं मांगते हो, आप इन बेटियों को ये यकीन भी एक शब्द में नहीं कहते कि मुजफ्फरपुर रेप कांड की हम पूरी जांच कराएंगे, फास्ट ट्रैक में जांच कराएंगे, 6 महीने के अंदर जांच कराएंगे और बेटियों के साथ बलात्कारी, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उसको फांसी के तख्ते पर इसी साल 6 महीने के अंदर हम पहुंचा के दिखाएंगे। मैं खुली चुनौती देती हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बेटी बचाओ का नारा आपने दिया, आपकी सरकार, आपके नेता बलात्कार कर रहे हैं। 2019 के चुनाव से पहले मैं आपको कहती हूं फास्ट्रैक में इस मुजफ्फरनगर की भी आपने जांच करवा दी। कुलदीप सिंह सेंगर का आरोप जो है वो सीबीआई ने कहा है कि उनके ऊपर चार्जशीट हो गई है और उनके खिलाफ सबूत है,
अगर 2019 के चुनाव से पहले बलात्कार के जो अभी दोषी है कुलदीप सेंगर फांसी पर चढ़ गया, मुजफ्फरनगर की 42 बेटियों का बलात्कार करने वाले लगभग 42 से सौ ज्यादा नेताजी और अधिकारियों को आपने फास्ट्रैक में सुनवाई करके बेटियों को न्याय देकर फांसी के ऊपर चढ़ा दिया, तो मैं कहूंगी आपको इस देश की आधी आबादी महिलाओं और बेटियों से वोट मांगने का अधिकार है। अगर आप इन्हें फांसी के तख्तों पर नहीं चढ़ा पाए, 6 महीने में फास्ट्रैक में सुनवाई करके न्याय नहीं दिला पाए, तो मैं कहूंगी वोट मांगने की बजाय चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा, मुंह छुपाकर युगांडा रवांडा चौकसी के साथ किसी दूसरे देश में भाग जाइएगा, ये बेहतर रहेगा। क्योंकि ये देश ना आपने रहने लायक छोड़ा है और ना देश आप जैसे लोगों के रहने लायक है। आप लोगों को यहां पर जो है बहुत आपकी नाक कटी थी कि रूटर्स लंदन की एक फाउंडेशन ने देश का बदनाम कर दिया कि ये देश हिंदुस्तान विश्व में सबसे असुरक्षित है महिलाओं के लिए। ये घटनाएं इस तरह की जांच और रिपोर्ट के ऊपर मोहर लगाती हैं कि आपकी भाजपा की सरकार के तहत हमारी बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं, आप खामोश हैं और हमारे जैसे जितने लोग भी जब जब आवाज उठाते हैं आप पलटकर अपने भक्तों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं और उन्हें खुली छूट दे देते हैं कि जो भी आपसे प्रश्न करे उनका आप चरित्रहनन करिए, उनको आप जलील करिए। और आप अभी मेरे इस पे भी मुझे नहीं मालूम कितने लोग क्या बोलेंगे, मुझे परवाह नहीं आपके भक्तों की, मैं बता रही हूं। हम आपसे देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक जब तक है तब तक ये उम्मीद करते हैं कि आप फास्ट ट्रैक में दोबारा दोहरा रहे, मुजफ्फरनगर कांड हो, कठुआ या उन्नाव का कांड हो, या देश का कोई भी बलात्कार बेटियों के साथ हुआ है, 6 महीने में फास्ट ट्रैक में अगले चुनाव 2019 से पहले सभी मामलों की फास्ट ट्रैक में सुनवाई करा के दोषियों की बालिक बेटियां हैं, पोक्सो कानून के तहत ये आपका कानून बदला हुआ कहता है कि फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने में फांसी होनी चाहिए, तो आपसे उम्मीद करते हैं 2019 के चुनाव से पहले इन सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करने के बाद इनकी दोषी होते ही आप इन सबको फांसी के तख्तों पर चढ़ाएंगे। और अगर फांसी के तख्तों पर चढ़ जाएं तो 56 इंच की छाती चोरी करके जरूर देश की आधी आबादी उस पिता से जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है, उस भाई जिसकी बहन का बलात्कार हुआ है, उनसे वोट जरूर मांगिएगा अपनी 56 इंच की छाती चोरी करके। और अगर आप इन बलात्कारियों को नाबालिग बेटियों के, अनाथ बेटियों के, गरीब बेटियों के, बलात्कारियों को अगर फांसी के तख्तों पर नहीं चढ़ा सकते तो मैं फिर कहूंगी ये देश छोड़कर कोई और देश चुन लीजिएगा, क्योंकि ये देश बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, बेटियों के रहने लायक नहीं छोड़ा है। मैं सभी से कहूंगी इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करिएगा कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे देश की जो हमारी गरीब और हमारी अनाथ बेटियां हैं जिनके साथ आज भी कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, और बलात्कार उत्पीड़न सरकार के संरक्षण पे सरकार में ही बैठा एक नेताजी और अधिकारी कर रहे हैं, वो बेटियां हिम्मत दिखा पाए कि ये देश आपके साथ खड़ा है, ये देश आपके लिए आवाज उठाएगा। हम ही ने सबने मिलकर आवाज ना उठाई होती तो आज कठुआ हो या उन्नाव का भाजपा का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सलाखों के पीछे ना होता। इसीलिए खुद पर यकीन रखिए, आवाज बुलंद करिए, हमारी बेटियों की जो का सवाल है, मैं ये कह रही हूँ आवाज बुलंद करिए, उन सभी बेटियों को अब ताकत देनी है जो आज भी कहीं ना कहीं खामोश हैं, दफन कर दी गई है, जिनके कंगाल जो है जमीन खोद खोद कर खोजे जा रहे हैं। आप सभी से इजाजत लूंगी पर उम्मीद करूंगी आपने जो भी आपके सुझाव है आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, किस तरह से हम बेटियों की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, कैसे एक पिता की बेटी को या एक पिता को न्याय दिला सकते हैं, कैसे एक भाई को न्याय दिला सकते हैं जिसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ है। मैं आप सभी से कहूंगी आवाज बुलंद करिए, आवाज बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत।